Good morning. Today is 27th of May 2020 and I am taking class 6 in Hindi. तो हमने chapter 3 finish किया, chapter 4 राग की मटकी finish कर दिया. तो आज हम question answers discuss करेंगे, right? So number first page 26 का ये का नंबर गांव में किसका मेला लगा हुआ था. तो गांव में मेला लगा हुआ था, किसका मेला लगा हुआ था. तो लेट्स सी, छड़ियों का मेला. ओके, सो नंबर का इस छड़ियों का मेला, ये शब्द एक शब्द वन सेंटेंस का आंसर्स है. तो आई एम श्योर अगर आप बुक में देखेंगे आंसर्स तो आप ये कर पाएंगे, ये लॉन्ग आंसर्स नहीं है. तो क नंबर इस छड़ियों का मेला, यू कैन फाइंड द वर्ड, राइट? आप से बुक से ढूंढ कर लिखिए. ख नंबर इस रज्जो माँ से किस चीज की जिद करने लगी, नए और नए कपड़ों की, राइट? ख नंबर नए कपड़ों की, नए और नई ओढ़ने की. ग नंबर गांव के घरों के मटकों में क्या भरी रहती थी, छाछ, राइट? देन घ नंबर, ओ नो नॉट छाछ, इट्स आई थिंक गुड़, यस गुड़. रज्जो चिखने क्यों लगी थी, तूफान की वजह से, राइट? क्योंकि तूफान आया था, तूफान से डरकर वो चीखने लगी थी. तो ये हो गए शॉर्ट आंसर्स. इट्स नाउ नंबर टू, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए. सो द करेक्ट आंसर हमें इसे टिक करना है, रज्जो को मेले में जाने के लिए क्या चाहिए था. सी ओढ़नी, नंबर टू आंसर, करेक्ट आंसर इज ओढ़नी. ख नंबर गोविंदी सिर पर मटकी रखकर कहाँ गई थी, बाजार गई थी, राइट? नंबर वन आंसर इज बाजार. नंबर ग राग की मटकी कैसे टूट गई, बरसात से, राइट? बरसात के आने से राग की मटकी टूट गई. नंबर घ इस बालिका शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बालिका. ओके, तो संज्ञाओं का संज्ञा क्या है वो मैंने शायद आपको बताया था. संज्ञा तो इट्स अ नाउन, राइट? सो संज्ञा यानी नाउन. सो नाउन की तरह संज्ञा के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगी. पर घ नंबर आंसर इज व्यक्तिवाचक. ओके, तो बाकी के क्वेश्चन आंसर्स पेज 27 के क्वेश्चन आंसर नंबर वन प्रश्नों के उत्तर, वो लॉन्ग आंसर्स है जो मैं आपको दूंगी. ओके, देन नंबर टू इज सही, सो सही शब्द भरना पड़ेगा रिक्त स्थानों पर, खाली जगह में सही शब्द भरना पड़ेगा. तो क नंबर इज डूगर ने राज को डैश पर लेट कर अपनी डैश से कहा, सो किस पर लेटा हुआ था वो, खात पर. ओके, फर्स्ट क नंबर पहला शब्द है खात और दूसरा शब्द पत्नी, राइट? खात पर लेट कर अपनी पत्नी से कहा. ओके, देन ख नंबर इज हमारे घर से डैश मांग कर पीती है, तो ये है छाछ, लास्ट वर्ड. ओके, सो ख नंबर इज छाछ, दैट इज लास्ट नंबर, लास्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अभी ग नंबर गोविंदी ने उसके बालों में डैश फेरते हुए कहा था, बालों में क्या फेरते हुए, उंगलियां. नंबर सेकेंड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, घ नंबर गवई गांव के लोग भी डैश को डैश जल जाते हैं. एक दूसरे, पहला शब्द होगा एक दूसरे को देख कर जल जाते हैं, गवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देख कर जल जाते हैं. ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कीजिए, बाकी रहे व्याकरण भाग वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर्स दे दूंगी. ओके, थैंक यू.